जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की कहानी लेकर आया हूँ। इनका एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस है और ये पूरी जर्नी मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि सिर्फ जॉब ही जॉब नहीं है, जॉब के अलावा जॉब क्रिएट भी किया जा सकता है, लोगों को जॉब दिया भी जा सकता है। इसी क्रम में ये पहला इंटरव्यू है सर का, जिनका नाम है बीरू कुमार। और बीरू कुमार जी एक बहुत ही छोटे से गाँव से आ रहे हैं, ये कनपा के पास एक बहुत छोटा सा गाँव है और वहाँ से आके इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बहुत अच्छी खासी कंपनी पटना में स्टेबल किया है इन्होंने। और इनके पास 20-22 एम्प्लॉय जिसको ये जॉब क्रिएट किए हुए हैं। तो उनकी जर्नी हम थोड़ा सा जानेंगे कि वो इस इंडस्ट्रीज़ में कैसे आए, किसी और जॉब में थे, वहाँ से जॉब कैसे क्विट किए, और बिहार की जो मानसिकता, जो सोच है कि जॉब सबसे बड़ा चीज़ होता है, उसको छोड़ के इस बिजनेस में कैसे आए और आने के बाद इसको कैसे पटना में स्टेबल किया आपने। सर प्लीज़ थोड़ा सा बताइए आपकी जर्नी। जैसे देखिए, एक्चुअली पहले मैं जॉब ही करता था जो कि बेंगलुरु में था, जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम किया, 50,000 मेरी सैलरी थी। वहाँ से फिर हमको लगा कि नहीं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे अगर कुछ रोज़गार उत्पन्न करें तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा। और उसमें अपना तो पेट भरना तो खैर कोई बात नहीं, तो कैसे भी लोग भर लेता है, कमा कर भी भर लेता है और जॉब करके भी भर लेगा, बिजनेस करके भी भर लेगा। बट हमको था कि कुछ हमारे अंडर में काम करें, क्योंकि हमारे फैमिली जो बैकग्राउंड था वो बिजनेस पर्पज़ ही थे। बट फादर बोलते थे कि नहीं, बिजनेस सिक्योर नहीं है, जॉब करो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तो हमने जॉब में किया, बट मुझे दिलचस्पी नहीं थी। 3-4 साल जॉब किए, उसके बाद थोड़ा सा लगा कि नहीं, हम अपने लिए करें कुछ जो हमको अच्छा लगे। तो फिर वहाँ से क्विट करके दिल्ली में भी कुछ दिन जॉब किए, उसके बाद क्विट करके पटना में आ गए। पटना में मैं देखा कि जहाँ सबसे ज़्यादा चलता है पेपर प्लेट, उस टाइम जब 2010 में स्टार्टअप किए थे उस टाइम पेपर प्लेट नहीं चलता था, बहुत कम चलता था। अगरबत्ती वगैरह भी चलता था, क्योंकि अगरबत्ती ऐसा चीज़ है कि अगरबत्ती हो, पेपर प्लेट हो, जो कि हर घर में यूज है और हर होटल वगैरह में बर्थडे का यूज है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ऐसा रोज़गार है, तो मैंने शुरुआत में अगरबत्ती और पत्तल का उद्योग मैंने खुद शुरू किया। अपना मशीन लगाकर, मशीन चलाते थे, डोर टू डोर दुकानदार के पास जाकर के मार्केटिंग मैंने किया। जब सेल आउट धीरे 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 1-2 साल में हमको लगा कि नहीं, सेल आउट अच्छा खासा होने लगा। फिर हमें देखा देखिए कुछ लोग बोले कि नहीं भैया, हमें भी चाहिए मशीन चाहिए, जो कि पटना में पहले मशीन अवेलेबल नहीं था, पत्तल का हो या अगरबत्ती का हो, इस तरह का मशीन यहाँ पे छोटे स्पेस बेचने वाले कोई सेल्समैन या कोई ऑफिस नहीं था, या डीलर नहीं थे। तो मैं दिल्ली से या गुजरात से मंगाकर मशीन सप्लाई करते थे। तो फिर उस बिजनेस को, पेपर प्लेट को, अपने किसी फ्रेंड को सप्लाई कर दिया कि भाई आप इसको तुम हैंडल करो, और हम मशीन बेचने में अपना धीरे धीरे आ गए। तो 13 में अपने ऑफिस खोला, वहाँ पे मशीन मैन्युफैक्चरर बाहर से मशीन ला करके ट्रेडिंग करते थे, मतलब मशीन गुजरात से हो या दिल्ली से हो, जहाँ से सुविधा लगे, जहाँ का अच्छा मशीन हो, वो मंगा करके मैंने यहाँ मशीन सेल आउट करना शुरू कर दिया। धीरे 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 1-2 साल तो बहुत स्ट्रगल रहा, मतलब सेल आउट न के बराबर, क्योंकि रेफरेंस केस थे, कोई अगर देखता था लोग, उसके बाद ही मेरे पास कस्टमर आते थे। तो इक्का दुक्का था, मतलब ऐसा नहीं कि महीने में अगर आया तो आया, नहीं तो 2-4 महीने में एक आध मशीन बेचते थे, जिससे कि मेरी रोजी रोटी नहीं चलती थी। जॉब क्विट किए हुए थे, घर का भी प्रेशर उतना ही ज़्यादा था कि जॉब छोड़ कर आके अपना मन का मालिक है, तो फैमिली का भी और गाँव का भी थोड़ा सा लगा कि नहीं बेकार है। लेकिन हमको अपने आप पर भरोसा था, और जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं तो हम बिजनेस में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं तो बिजनेस में आइए ही मत, क्योंकि खुद पर है तभी कुछ कर सकते हैं, दूसरे पर कभी भी आपको क्विट कर सकता है आदमी। तो हमने 2 साल अपने पैकेट से सैलरी एक स्टाफ का दे करके वेट किया, टाइम दिए, बट धीरे 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 15-16 तक हम अपने आप को अच्छे स्टेब्लिश कर दिए। 5 से 10 एम्प्लॉई हो गए, जो कि अब धीरे धीरे मेरा 20 एम्प्लॉई हो चुका है। हम अपने यहाँ काफ़ी लोग रोज़गार दे रहे हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट विजन था 2020 में ही, कि अपने ग्रामीण इलाका में बड़ा सा एक उद्योग लगा कर अगरबत्ती पत्तल का ही, वहाँ पे कम से कम 100-200 लोगों को रोज़गार दूँ। बट कोरोना काल आया तो इस कारण से थोड़ा सा उस टाइम हम नहीं डेवलप कर पाए, बट उसका स्टिल अभी भी वहाँ पे प्रोग्रेस चालू है। वहाँ पे 1-2 मशीन स्टार्ट हो गया है, बट सेल कम होने के कारण वहाँ पे और ज़्यादा मशीन नहीं लगा और ज़्यादा रोज़गार नहीं उत्पन्न हुआ है। लेकिन टारगेट मेरा वही है कि 100-200-500 लोगों को रोज़गार हम दे सके अपने यहाँ, और उसमें हमको थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है, हमको अपने आप में भी लगता है, और लोग थोड़ा सा कहते नहीं भैया अब छोटा से स्टार्टअप किया और अब लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमको भी खुशी मिलता है और लोगों भी हमारा अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं भैया बढ़िया काम है, तो अच्छा लगता है। इसी दरमियान में मैंने तेज प्रताप जी को भी मशीन, कुछ अगरबत्ती मशीन सप्लाई की है अभी हाल फिलहाल में कुछ। एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि आपका काम समाज को या समाज में तब्दीली लाएगा, आपका काम समाज में आपका नाम करेगा। नाम से काम नहीं होगा, लेकिन काम अगर अच्छा होगा तो नाम अपने आप हो जाएगा। अब मैं बताऊं आपको कि तेज प्रताप जी बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, अगर बिहार के रहने वाले तो तेज प्रताप जी कौन है, लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, जो कि कई जगह उन्होंने मशीन देखा और उन्होंने अंत में यहाँ से मशीन बाई किया है। तो इनकी क्वालिटी और इनकी क्वांटिटी, इनका यही कहना है कि जो मेरा सामान है उसके अंदर आपको जो प्रोडक्ट देंगे वो प्रोडक्ट जेन्युइन होगा
और जो मेरा कस्टमर के लिए जो फीडबैक आएगा उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेंगे, जो भी कमियां होगी डे बाय डे हम सुधारते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगा कि बिहार में भी एक एंटरप्रेन्योर जन्म लेता है, काम करता है, 5 साल 6 साल एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के पटना आता है, एक छोटे से गाँव से पटना में स्टेबल करता है अपने आप को, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज 20 एम्प्लॉई को जॉब दे चुका है। फ्यूचर है कि कम से कम हम 400-500 लोगों को जॉब दें, तो बहुत ही अच्छी बात है सर। सर की ये बात बहुत अच्छी लगी। और सर और कुछ बताइए अपने बारे में। तेज प्रताप जी को नहीं, हमारे यहाँ बिहार में जीविका का नाम सुने होंगे। हाँ, जीविका हो या KVK हो, सरकारी संस्था है। अच्छा। जो कि ये लोग भी आदिवासी लोगों को रोजगार देते हैं। जीविका को मैंने कम से कम 50 मशीन तक से ऊपर सप्लाई किया होगा, जो कि मुंगेर हो गया, बरियारपुर हो गया, घटवारी हो गया, आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे आदिवासी लोग इसी पत्तल मशीन से अपना आज रोजी रोटी कोरोना काल में भी अपना पालन कर रहे हैं। इस मशीन से पत्तल बनाते हैं और अपने एरिया में सप्लाई करते हैं, जो कि पत्ता का भी बन जाता है और पेपर का भी बन जाता है सेम मशीन से। अच्छा। तो हम KVK और जेविका ये दोनों एक NGO है जिसके थ्रू भी मैंने मशीन अच्छा सप्लाई किया है। हमें पेमेंट जो आता है मेरे पास जीविका के थ्रू और KVK के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे KVK में भी जो है कि क्वालिटी, मेनली क्वालिटी को लोग देखते हैं। हमारा मेन चीज़ है क्वालिटी और सर्विस। क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं और सर्विस में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। सर्विस चार्ज फ्री रहता है एक साल तक, कन्वीनियंस चार्ज केवल लगता है। तो हम इसलिए KVK और जीविका भी हम लोग साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि कोई भी मशीनरी में फॉल्ट होता है हमारे पास वो कंप्लेन लॉग कराते हैं, हमारा टेक्नीशियन जाता है और वहाँ पे मशीन को इंस्टॉल करता है और कोई भी इशू होता है तो सेटिस्फाइड करके कस्टमर को वहाँ से हमारे यहाँ फीडबैक लेकर के आता है। तो कुछ दिन पहले बिहार न्यूज में भी आ रखा था जो कि बरियारपुर साइड का जो जीविका के थ्रू आदिवासी लोग हैं वो हमारे मशीन से ही वो उधर का रोजी रोटी अपना उन लोग का बेहतर तरीके से चल रहा है, केवल पत्ता के पत्तल बना करके अपने लोकल एरिया में सब जगह सप्लाई करते हैं। पेपर उनका रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उनका पत्तल से ही जो पत्ता होता है पेड़ का जो वेस्टेज मटेरियल है उसी से वो लोग पत्तल बना लेते हैं और अपने आसपास के एरिया में वो अपना अच्छा खासा सप्लाई कर रहे हैं। बिहार न्यूज़ पर कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, वो कहेंगे न्यूज़ भी आपको हम शेयर कर देंगे। तो है वही मेनली चीज़ है कि हम थोड़ा सा चाहते हैं कि रोजगार लोगों को मिले, जॉब ठीक है जॉब है, बट हम सबसे पहले कहते हैं अपने आप सेल्फ डिफेंस नहीं होएगा, अपने आप को नहीं रहेगा कि हम कर सकते हैं तब तक आप बिजनेस में मत आइए। आपको लगे नहीं भी हम मार्केटिंग में बात कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, पेशेंस आपके अंदर आ सकता है तो बिजनेस बेहतर है, क्योंकि बिजनेस पेशेंस सबसे ज़्यादा मांगता है। टाइम भी मांगेगा और आपके अंदर कितना पेशेंस है, सुनने का शक्ति कितना है, ये सबसे मैंने प्रायोरिटी चीज़ है। तो हम कोशिश करते हैं भाई कि कस्टमर भी सेटिस्फाइड करें और अपने आप तो पेशेंस हैं, कस्टमर कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं फिर भी सुन लेते हैं कि भाई वो कस्टमर हैं, उनका भी इरिटेशन होगा माइंड में कभी पैसा दिए मेरा मशीन नहीं चल रहा है। तो कोशिश रहता है कि सबको सेटिस्फाइड करें, तो इसी बेस पे हम अपना पहल करते हैं और अभी आगे भी यही सोच है कि अपना कुछ लोग और रोज़गार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार दें, उसमें हमको थोड़ा सा सुकून मिलता है। सर की बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा लगा कि एक एंटरप्रेन्योर वहाँ से आके यहाँ काम करके डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और यही सोच है कि आगे भी लोगों को हम रोज़गार दें। ये बहुत अच्छी सोच है, बिहार में बहुत कम लोगों के अंदर डेवलप होता है। अगर जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, सबसे अच्छा गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट हम किसी का काम कर लेंगे, मेरा अपना कुछ नहीं लगे, सब कुछ उसका लगे, लॉस उसका हो तो प्रॉफिट भी उसी का होता है। तो ये सोच को आपको चेंज करना है और कोशिश करने से सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। सो गाइस, इनका एक बहुत अच्छी जर्नी लगी और मैं चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस लगातार मैं लाऊँ और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, सर का क्या इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं, आप अपने आप को यहाँ इनके साथ कैसे जोड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो पूरी वीडियो नेक्स्ट में होगा। ये पार्ट में इसलिए बताया कि इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।